जंतर मंतर पर रख रहे हैं। देख के खुशी हो रही है कि हाँ, जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो कुश्ती की भलाई के लिए लड़ी है, माइक ऊपर करो। वो उस घर से निकल के आई हैं और यहाँ पे जितनी भी लड़की आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, जो हम कल से बोलते थोड़ा आगे हो जाओ। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियाँ वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है, हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं, देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं, सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जन्म दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचिज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। और लड़कियों के लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूंगी फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ओ जब तक एक व्यवस्था होगी, प्लीज देखे महिलाएं बहन आई हुई हमारी, आप नीचे बैठ जाए, सहयोग के लिए आए, आपका बड़ा आदर है, मान है, सम्मान है। भाई एक ना भाई सुनो, एक बार ना बहन जी रुकिएगा, एक बार जितना हमारे मीडिया कर्मी है एक बार ध्यान से सुन ले। देखो चहल पहल ज्यादा होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बजरंग पहलवान जी भी बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सुन लो पहले जो भी होगी व्यवस्था। आप सभी है ना, एक एक व्यक्ति जो भी होगा, बिल्कुल यू का यू बैक साइड में यहीं पे, लेकिन सुनो यहीं पे रखेंगे, लेकिन शांत होकर के एक व्यक्ति एक ही समय पर प्रश्न दे, माइक पकड़ करके जिससे भी आप पूछोगे उसका उत्तर मिलेगा। दादा थोड़ा लेफ्ट में आएंगे, पूरा सा लेफ्ट में प्लीज। हाँ बस ठीक है, आगे भी लोग हैं, सुनिएगा भाई साहब, ये प्रवीण जी या गौतम जी कहाँ है, हमारी कमेटी के मेंबर, एक बार ना वो ले आए। एक बार ना वो जो दूसरा माइक है ना वो उपस्थित करवा दे, जिनका प्रश्न होगा उनको दे देंगे और जो प्रश्न पूछ लेंगे ऐसे उत्तर मिल जाएगा। ये सही है ना, वायरलेस जो माइक है ना उसकी व्यवस्था हम देंगे भाई, वायरलेस माइक की व्यवस्था करो प्रवीण जी, जब तक है ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपनी बात रखी। विनेश फोगाट ने ये तक कहा कि धरने में आई कई लड़कियों के साथ बहुत कुछ हुआ है और उन लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए जो इस वक्त डर रही हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ बजरंग पुनिया का कहना है कि ये उनके सम्मान की लड़ाई है और इस मामले में राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल इसमें ना आए, ये सिर्फ उनकी लड़ाई है, वो लड़ाई अपनी जिस फेडरेशन के इसके तहत वो आते हैं, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन के तहत, उसके खिलाफ ही है और उसके अध्यक्ष के खिलाफ ही ये लड़ाई को लेकर प्रदर्शन करने के लिए वो लोग बैठे हैं। अरे चुप हो जाओ, अरे वहीं से कर लो, यहीं से आपका आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है, ठीक है। अभी बोलना स्टार्ट करूँ, आप चुप हो जाओ, बोलो बोलो। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ, हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूँगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भाजने की फिराक में है, तो कृपा जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा,
और अभी एक बार दो मिनट का हमें समय, पांच मिनट का समय दे दो, हम आपस में मत दस्ता करके आप लोगों को सारे सवालों के जवाब देंगे अभी। ठीक है, दो मिनट का समय चाहिए हमें। यहीं से आप कर लेना, दो जी बिल्कुल यहीं से देंगे, दो मिनट का समय चाहिए हमें। मीडिया कर्मी को देखो, ये तो सब पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि ओलंपिक में कितने मेडल आए थे रेसलिंग के, वो 70% 79% ही पता चल जाएगा ओलंपिक में कितने मेडल आए हैं। सिल्वर मेडल ओलंपिक में किसका था? रवि दहिया, वो यहाँ है। ब्रॉन्ज मेडल किसका था? वो यहाँ है। पार्टिसिपेट वाला यहाँ है। तो जो कल हमें बार बार ना बताना पड़े, कल 97% उनके साथ थे, तो वो कहाँ है? किसी से अंदाजा लगा लो। इस चीज का हमें शायद आप लोगों को सबको पता है कि ओलंपिक में मेडल किस किसके आए थे, कौन कौन पार्टिसिपेट करे थे, और वो पार्टिसिपेट करने वाले वो मेडलिस्ट सारे मंच शेयर करके बैठे आपके सामने। तो हमें बार बार ये ना बतानी पड़े तो आप लोगों को कि वो कितने परसेंट थे, और आप बेसक मत पूछो, आप अंदाजा लगा लो। अब परसेंटेज हमारे पहलवानों को कम निकालनी आती है, आप निकाल दो परसेंटेज, आप निकाल लो। हमने ये बता दिया जो मेडलिस्ट थे ओलंपिक में पार्टिसिपेट थे वो सारे यहाँ बैठे हैं। अब परसेंटेज आपके जिम्मेवारी है। नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज मीडिया वाले आप निकाल लेंगे, हमारे से बहुत इंटेलिजेंट है जी। हम तो पांचवी में छोड़ दिए थे घर क्या, अब जाओ खाड़े में, और फिर नोना बेरा कहता आप कित गई, हम कित गए। मास्टर ने पूछा करता बला रहे तू लिख भी देगा के, मगा जी आंगली हटकी तो लिखा भी नहीं सागा, तो हम तो नो पास होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।